नेसेसिटी नहीं है कि इसको लाने से हमारा बनेगा. हिंदी इसलिए कि जिसका जो मन है वो करता है वो. जरूर नहीं है वो. वी डोंट रिक्वायर कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज बने. कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से. आई डोंट थिंक सो बिकॉज ऑफिशियली इंग्लिश आई थिंक इट इज दी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज स्पेशली इन इंडिया. And people are actually very, you know, they feel a bit of a complexion if they speak Hindi in crowd. So I don't think it's going to make any difference. Yeah, it should be. Actually, Hindi, 80% of the people in India speak Hindi. And English is also nice. Dono ko balance rakhna chahiye. Ye nahi ki ek koi national language bana diya, but English ko bhi rakhna chahiye. Dono ko equal wo dena chahiye. Hona chahiye, kyunki English aa gayi hai, to English ko zyada darja dete hain. Hindi ko kam dete hain. बढ़ते हैं डेफिनेटली. इट्स गुड टू हैव हिंदी एज आवर नेशनल लैंग्वेज एंड वी शुड प्रमोट इट. वी शुड सपोर्ट इट इन एनी वे वी कैन. आई वुड प्रेफर कोई गाली डाल सकते हैं हम शायद बिकॉज बहुत यूज करते हैं आजकल लोग. गाड़ी वर्ड ज्यादा यूज होता है कार से ज्यादा. तो या बकवास. बिकॉज अगर अपन कहीं भी कुछ भी करते हैं तो लोग का सबसे अगर कोई टाइम पास भी बोलता है बोलता बकवास कर रहा है. जैसे अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो इनको समझ में नहीं आ रहा तो ये जो बोल रहे हैं वो बकवास कर रहा है. आई थिंक माँ इज द वर्ड विच शुड बिकॉज द फर्स्ट थिंग किड लर्न्स टू स्पीक इन हिंदी इज माँ. सो दैट्स द वर्ड.